मेरी YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स के लिए उनके सेकेंड यूनिट टेस्ट के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को, और मैं इन प्रश्नों को पढ़ दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने इन प्रश्नों को चुनकर बनाया है, और इसे अगर वो अच्छी तरह से इसके उत्तर पढ़ लें तो उन्हें अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो ध्यानपूर्वक ये प्रश्न वो सुने, और जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके उत्तर भी आपको मैं बता दूँ, जितना समझा सकती हूँ मैं समझा दे रही हूँ। तो क्लास 10 के हिंदी के सेकंड यूनिट के ये प्रश्न हैं, कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कौन पवन 49 को नीचा दिखा रहा है और कैसे? तो यह प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर कविता से, और यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो पंछी है वो तूफान के टलने के बाद सुबह फिर से जब आसमान छूते हुए उड़ रहे हैं, और अपने और जब वो अपने चोच में तिनके लिए आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं, तो वे पवन 49 को भी जैसे नीचा दिखा रहे हैं। वे अपने अस्तित्व को बता रहे हैं कि जीने की जो चाह होती है वह मृत्यु पर विजय पा लेती है, और नाश कभी भी निर्माण को रोक नहीं सकता है। दूसरा प्रश्न है, रामदास को क्या खबर थी? और साथ में पढ़ दे रही हूँ मैं तीसरा प्रश्न भी, रामदास की उदासी का कारण क्या था? तो दोनों के उत्तर मिलते जुलते ही हैं कि रामदास को खबर थी कि उसकी कल हत्या होने वाली है, और उसकी उदासी का भी कारण यही था कि उसकी हत्या हो जाएगी। उसे पता था कि उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है, लोग सिर्फ तमाशबीन होते हैं और खड़े होकर तमाशा देखना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, राधेय कौन था? तो इसका उत्तर मैं आपको बताऊं कि राधेय कर्ण को कहा गया है, और इसका कारण ये है कि लालन पालन उनका जो है वो राधा ने किया था। जब कर्ण गंगा जी में बहते हुए जा रहे थे तो महाराज भीष्म के सारथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें देखा और उसे गोद में उस बच्चे को उठा लिया, और उसका लालन पालन उन्होंने किया, इसलिए उन्हें वासुसेन नाम दिया गया, और अपने पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जीके के प्रश्नों में भी इस तरह के सवाल आते हैं बार बार। अगला प्रश्न है, पार्थ का परम शत्रु कौन था? तो यह लिया गया है पार्थ मनुष्य और सर्प से, मैं उसका उत्तर आपको अभी बता रही हूँ। यहाँ पर उत्तर है कि पार्थ यानी अर्जुन का परम शत्रु अश्वसेन था। छह नंबर प्रश्न है, जीवन में अपने साध्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो साध्य है उसे पाने के लिए हमें साधना ही करनी चाहिए, कठिन तपस्या करनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर से हमारी दृष्टि और हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए जब तक कि हम उसे प्राप्त ना कर लें। सात नंबर प्रश्न है, कर्ण ने किसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया था? तो कर्ण ने अश्वसेन की सहायता लेने से इनकार कर दिया था, जिनको की माँ उसे चेंजलिंग कहकर पुकारती थी। रंगैया की आशा क्या थी और किस पर थी? तो रंगैया की आशा यह थी कि उसका पुत्र पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, और उसकी तरह वह छोटा काम न करे, और उसकी यह आशा जो है वो अपने पुत्र से थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11 नंबर, रमन का स्कूल कहाँ था? तो रमन का स्कूल गांव के एक छोटे से खपरेल वाले मकान में था। 12 नंबर प्रश्न, जिंकू में क्या क्या विशेषताएं थी, विस्तारपूर्वक बताइए। तो विस्तारपूर्वक बताने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने होंगे कि जिनको के चरित्र की विशेषताएं क्या थी, जैसे वह कमज़ोर बालक था, वह शरीर से काफ़ी कमज़ोर था, या पॉइंट लिख सकते हैं
उसके बाद उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि जब उसका जन्म हुआ था तो इतना कमजोर था और इतना छोटा था कि देखने वाले लोग देखकर कहते थे कि यह ज़्यादा दिन जीवित रहने वाला नहीं है। दूसरी विशेषता थी, वह संगीत प्रेमी था। उसे हर ओर संगीत सुनाई देता था, हर चीज़ में उसे संगीत सुनाई देता था। वह पत्तों के घड़घड़ाहट में या हवा चलती थी उसमें भी, पक्षियों की आवाज़ में, हर चीज़ में उसे संगीत सुनाई देता था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा संगीत प्रेमी था। प्रकृति प्रेमी उसकी तीसरी विशेषता थी क्योंकि वह ज़्यादा समय जंगलों में व्यतीत करता था। प्रकृति से उससे बहुत प्रेम था। और चौथी हम देखेंगे तो वह बेपरवाह था। वह अपने खाने पीने में या अपने शरीर स्वास्थ्य के बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं करता था। बस जो मिल जाए उसे वह खाकर काम चला लेता था, और कभी-कभी तो उसे फाका भी रहना पड़ता था। चप्पल कहानी का मुख्य मर्म क्या है? तो चप्पल कहानी में लेखक ने शिक्षा के महत्व को एक अशिक्षित व्यक्ति के माध्यम से दर्शाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसके पास नहीं होती है वही उसका महत्व समझ सकता है। इस तरह से रंगैया जो अनपढ़ था वह जानता था कि शिक्षा का क्या महत्व है और कौन सी चीज़ उसके जीवन में अंधकार भर गई है, और वह चाहता था कि उसका पुत्र वह सब ना भुगते जो वह भुगत रहा है, या जैसे ज़िंदगी वह जीने के लिए मजबूर है वह उसका पुत्र ना भुगते। इसलिए वह अपने पुत्र की पढ़ाई लिखा के लिए, मास्टर साहब जब उसे पढ़ाते हैं तो वह बहुत आशावान हो जाता है, और मास्टर साहब उसकी नज़र में जैसे एक ईश्वर का रूप होते हैं जो उसके बेटे को शिक्षा दे सकते हैं, और इस तरह उसके बेटे का भविष्य बदल सकता है। और वह जो पारंपरिक उसका काम है चप्पल बनाने का, वह उसके पुत्र को नहीं करना पड़ेगा और इतने कष्ट और संकट उसे नहीं झेलने पड़ेंगे, तो इसलिए उसके लिए मास्टर साहब भगवान हो जाते के समान श्रद्धावान रहते हैं। और असल में मैं कहूँ तो इस कहानी में रंगैया ने चप्पल बचाने के लिए अपनी जान नहीं दी थी, असल में वह अपने बच्चे के भविष्य को बचाना चाहता था, और किसी भी हाल में वह समझौता उससे नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने इस कोशिश में अपनी जान दे दी है। तो मुख्य मर्म जो था यही था। 14 नंबर प्रश्न, रंगैया के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? तो रंगैया का चरित्र अगर हम देखें तो वह एक आदर्श पिता था। वह अपने पुत्र की अच्छे भविष्य के बारे में चिंतित रहता है, सोचता है, वह उसे एक अच्छा जीवन देना चाहता था। दूसरी विशेषता देखें तो वह कृतज्ञ था, श्रद्धा एवं विश्वास की प्रतिमूर्ति था। वह मास्टर साहब के प्रति काफ़ी श्रद्धा का भाव रखता है। वह अनपढ़ था लेकिन जिज्ञासु था। उसके मन में जिज्ञासा रहती है कि वह किस तरह अपनी शिक्षा भी आगे बढ़ा सकता है, या वह पढ़ाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, और खुद भी पढ़ने के लिए वह प्रयासरत है। वह कुशल शिल्पी भी था क्योंकि फटे पुराने चप्पल को भी वह अपनी कुशलता से एक अच्छा रूप दे सकता था और उसका रूप बदल देता था। और अगला देखें तो बलिदान की भावना उसमें कुट कुट कर भरी थी। अगर ऐसी नहीं होती वह तो वह चप्पल को बचाने के लिए अपनी जान की बलि ना दे देता। तो ये सारी विशेषताएं रंगैया के चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, नन्हा संगीतकार के लेखक कौन है और इस कहानी का मर्म क्या है? तो इस कहानी के लेखक हैं हेनरिक सेंकविच, और कुछ मेरे वीडियोस हैं जो इन कहानियों पर मैंने बनाई है, तो उसके भावार्थ उन वीडियो में है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग उसे एक बार ज़रूर देख लें तो आपको सारा मर्म समझ में आ जाएगा इस कहानी का। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खान का नाम क्या था? किस त्यौहार के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था? बिस्मिल्ला खान का नाम अमीरुद्दीन था और मुहर्रम के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था, क्योंकि मुहर्रम में वो पूरे ताजिए के साथ शहर भर में घूमते थे शहनाई बजाते हुए, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी।
बिस्मिल्ला खां के जन्म स्थान के साथ सहनाई का क्या संबंध है? और 18 नंबर प्रश्न है, डुमराओं से सहनाई का क्या संबंध है? तो इन दोनों के उत्तर करीब करीब समान ही होंगे। इसके कुछ कारण हैं कि बिस्मिल्ला खान का जन्म डुमराओं में हुआ था और डुमराओं में ही सोन नदी के किनारे रीड पाया जाता था, जिस वृक्ष एक बांस की तरह, एक तरह के बांस की प्रजाति है, उसे रीड की प्राप्ति होती थी और उस रीड से ही सहनाई बनाई जा सकती थी और बिस्मिल्ला खान सहनाई वादक थे। तो इस तरह डुमरा और सहनाई का संबंध जाहिर होता है, जो संबंध बिस्मिल्ला खां का डुमराओं से था। तो सहनाई वादक एक काफ़ी ऊंचे दर्जे के सहनाई वादक होने के कारण डुमराओं और सहनाई और डुमराओं और बिस्मिल्ला खां के का आपस में संबंध हमें हमारे सामने दर्शित होता है कि काफ़ी गहरा संबंध था दोनों में। दोनों एक दूसरे के बिना जैसे अधूरे से लगते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य और सर्प कविता का सारांश लिखिए। तो मनुष्य और सर्प कविता के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसका भी वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। लेकिन अगर हम देखें तो इस कविता में दिनकर ने उस समय का संक्षिप्त वर्णन किया है जब महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। रणभूमि में जिस समय कर्ण अर्जुन आमने सामने एक दूसरे पर बाणों की बौछार कर रहे थे, उस समय अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प ने अर्जुन का वध करने में कर्ण से उसकी सहायता करने का प्रस्ताव दिया था, किंतु यशस्वी एवं स्वाभिमानी कर्ण ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपने आदर्श चरित्र एवं स्वाभिमान पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगने देना चाहता था। इस विषय पर उसकी सोच यह थी कि युद्ध में भले ही सर्प उसे विजय दिला दे, किंतु सर्प तो मानवता का दुश्मन है। अतः यदि उसने अर्जुन पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सर्प का सहारा लिया तो उसका स्वाभिमान एवं सम्मान किस प्रकार सुरक्षित रह पाएगा और आने वाली पीढ़ी को वह क्या मुख दिखलाएगा। इस प्रकार यह कविता हमें बहुत बड़ा संदेश भी देती है। और विस्तृत रूप में जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां की किस विशेषता ने लोगों को प्रभावित किया था? तो कुछ खास विशेषताओं को हम ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, हम सभी को प्रभावित करती हैं। जैसे उनके कुछ प्रेरणा स्रोत हैं, श्रेष्ठता की ऊंचाई को छू लेने के बाद भी अपनी कला को उन्होंने कभी विराम चिन्ह नहीं दिया, यानी कभी वो रुके नहीं और अपनी कला को दिनों दिन निखारते ही रहे। और अपनी कला में निरंतर निखार लाने के लिए और भी प्रयास करते रहे, परिश्रम करते रहा उन्होंने। और धार्मिक सौहार्दता दूसरों के हृदय को छू लेने की उनकी एक प्रक्रिया थी। अतः धार्मिक भेदभाव से बचकर रहने की प्रेरणा उनसे हमें मिलती है। और भी प्रेरणा मिलती है कि सफलता में कभी भी इतराना नहीं चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक श्रेष्ठता को पाना अलग बात है और साधारण जीवन जीना उससे भी बड़ी श्रेष्ठता होती है। इसके अलावा विषमताओं में भी ईश्वर के प्रति आस्था को बनाए रखना चाहिए, अपनी उपलब्धि को ईश्वर की कृपा मानकर उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और ऐसा होने से हमारे अंदर घमंड का भी प्रवेश नहीं कर पाता। और विशेषता हम देखें जो हमें प्रभावित करती है वो है कि अपनी कला के प्रति समर्पण भाव हमेशा रहनी चाहिए। ऐसा करने से सफलता व्यक्ति के कदम चूमती है। ये सारी चीजें बिस्मिल्ला खां के चरित्र से या उनके जीवन से मिली प्रेरणा होती है जो लोगों को या हमें भी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, नीड का निर्माण कविता को लिखने का कवि का उद्देश्य क्या है? वे क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? तो इसका उत्तर मैं बोलूं कि नीड का निर्माण कविता के आधार पर अगर हम देखें तो वो प्रकृति के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं और वे चिड़िया के माध्यम से हमें जीवन का संदेश देते हैं और कहते हैं कि
कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड का निर्माण करते रहना चाहिए। भयानक आंधी तूफान के आने पर यदि सब ओर विनाश भी मच जाए, व्यक्ति रूपी चिड़िया के घोंसले का चाहे तिनका तिनका बिखर जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर चाहे भूमि पर गिर पड़े, मगर चिड़िया को नव निर्माण की आशा को अपने मन में संजोकर आकाश में ऊंचे और ऊंचे चढ़ते चले जाना चाहिए। बच्चन आगे व्यक्ति रूपी चिड़िया को सांत्वना देते हुए भी कहते हैं कि तुझे इस प्रलयंकारी आंधी तूफान के विनाश को देखकर घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचकर निर्माण कार्य से विरत हो जाना चाहिए कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि व्यक्ति को यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि प्रलय के बाद नई सृष्टि का निर्माण अवश्य होगा। तो नीड का निर्माण कविता के माध्यम से यही हमें संदेश देना चाहते हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच कवि भरना चाहते हैं कि विनाश के डर से हमें निर्माण छोड़ नहीं देना चाहिए, यही उनका संदेश है इसमें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घर घर कौन सा समास है? तो घर घर द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में जब अलग अलग शब्द आते हैं, जैसे घर बाहर अगर होता, घर और बाहर, तब वहाँ होता द्वंद्व समास, या देखने में बिल्कुल द्वंद्व समास की तरह लगता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब एक समान शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे घर घर, हर हर, दर दर, खट खट, तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है, तो इसका आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे समास के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप जरूर एक बार देख लें। सिर्फ एक बार उसे आप देख लें तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर समा जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वर्ग में क्या मिलने की बात जिंकू कहता है और क्यों? स्वर्ग में वायलिन मिलने की बात जिंकू कहता है और क्योंकि उसे जीते जी वायलिन पाने का, बजाने का सुख नहीं मिला। 25 नंबर प्रश्न है, किसके भय से निर्माण का सुख नहीं दबता और इसके लेखक कौन है? तो विनाश के भय से निर्माण का सुख नहीं दबता और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन है। कौन किससे कहता है कि तू मेरी मित्रता नहीं पा सकता? तो यह है मनुष्य और सर्पाट का, और इसमें कर्ण कहता है अश्वसेन से। लेखक ने गंगा जमुनी तहजीब किसे कहा है? यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है बिस्मिल्ला खां के, और जो चरित्र है उनके चरित्र को गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है। दो मित्रों के बीच खेलकूद के महत्व पर वार्तालाप लिखें, तो दो मित्र अगर खेलकूद के महत्व पर बातचीत करेंगे तो किस तरह से करेंगे? आप लिख सकते हैं कि खेलकूद, एक मित्र बोल रहा है कि खेलकूद के महत्व के बारे में चलो हम खेलने चलते हैं, क्यों? दूसरा मित्र थोड़ा आलस करता है तो उसे पहला मित्र कहता है कि तुम्हें इसका महत्व पता नहीं है कि खेलकूद से कितने फ़ायदे हैं, अगर हम खेलकूद नहीं करेंगे तो हमारा शरीर शिथिल पड़ जाएगा, हमारे शरीर में अनेक बीमारियां घर कर जाएंगी और ऐसे हमें परेशानी हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। तब दूसरा मित्र उसे कहता है कि मुझे तो इतना पता नहीं था, अच्छा हुआ मित्र तुमने बता दिया। इस तरह से आप खेलकूद का के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और इसके बारे में लिख सकते हैं। 29 नंबर है, कंप्यूटर ने किस तरह से हमारे जीवन को बदल दिया है? तो आजकल कंप्यूटर का जो उपयोग हमारे जीवन में है, ये सब स्टूडेंट्स को पता ही है कि किस तरह कंप्यूटर ने हमारे जीवन को काफ़ी गति दे दी है। अब पल भर में हम काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और जितना चाहे अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हर चीज़ हम घर बैठे सीख सकते हैं और काबिल बन सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। कंप्यूटर ने हमें वो सारी सुविधाएं हम दी हैं और आज का जीवन जो है वो कंप्यूटर से संचालित है, और इसके कुछ फ़ायदे तो बहुत सारे हैं और नुकसान भी ये है कि बच्चे आजकल
शारीरिक श्रम पर कम ध्यान दे रहे हैं और घर बैठे इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना या गलत चीज़ें देखना। ये सारे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। मेरा चैनल फॉलो करते रहें और आपके क्लास से के जितने चैप्टर हैं हिंदी के, मैंने सारे चैप्टर को डाला हुआ है, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे सहायता मिलेगी। और अपने दोस्तों को भी बोले देखने के लिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप ये कभी ना सोचे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी या बताऊंगा कि कहीं वो सीख ना जाए या ज़्यादा जानकारी ना मिल जाए उसे। तो इससे क्या होगा कि कभी भविष्य में हो सकता है आपको ही उस मित्र की सहायता की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप वहाँ पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ अच्छी और जानकारी के साथ। अगर संभव होगा तो मैं और विषय के भी डालने की वीडियो कोशिश करती हूँ। आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट काफ़ी करीब है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।